हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पुस्तक पर स्वागत है। राजा विक्रम फिर बेताल को पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ से उतारकर अपने साथ योगी के पास ले जाने लगते हैं। बेताल फिर से उन्हें एक कहानी सुनाता है और आज की कहानी का शीर्षक है राजा रूपदत्त और राक्षस। चित्रकूट का राजा रूपदत्त जंगल में गया तो उसे वहां एक सुंदर कन्या मिलती है। राजा उसके पिता से उसका हाथ मांग लेता है और उससे शादी करके उसे अपने साथ चित्रकूट की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में दोनों को प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में एक गुफा में चले जाते हैं। वो गुफा एक राक्षस की थी। उनकी आहट सुनकर राक्षस गुफा में ही छिप जाता है और उनके अंदर आते ही दोनों को पकड़ लेता है। राक्षस दोनों को खाना चाहता है लेकिन राजा उससे प्रार्थना करता है कि वो उन दोनों को जाने दे। राजा रूपदत्त राक्षस से वादा करता है कि वो उसके खाने का प्रबंध अवश्य करेगा। राक्षस राजा की बात मान लेता है और उसे जाने देता है। राक्षस राजा को कहता है कि यदि वो 7 दिन के अंदर उसे एक आदमी खाने के लिए नहीं भेजता तो वह उसके राज्य में आकर दोनों को खा जाएगा। राजा उसकी बात मान लेता है और दोनों महल पहुंच जाते हैं। अब वे राक्षस के लिए एक आदमी का इंतजाम करने की बात सोचते हैं। राजा का मंत्री उसे कहता है कि धन का लालच ही किसी को अपने प्राण देने के लिए मना सकता है, तो ताजा नगर के चौराहे पर बहुत सारा धन और सोने का पुतला रखवा देते हैं और सभी को राक्षस वाली बात बताने के लिए कहते हैं कि जो भी राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार होगा वह यह सारा धन रख सकता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी राजा के धन को स्वीकार नहीं करता है। राजा के नगर में एक लंगड़ा भिखारी रहता था जो धन को देखकर लालच में आ जाता है और वो अपने घर जाकर अपने परिवार से कहता है कि उनके बुरे दिन टल सकते हैं यदि उनमें से कोई एक अपने प्राण राजा के लिए दे दे। भिखारी का लड़का उसकी बात को मान लेता है ताकि उसके परिवार के दिन संवार सके। भिखारी राजा के पास उसे ले जाता है। राजा उसे धन्यवाद करता है और उसके परिवार को वो सारा धन दे देता है। रानी उस युवक को तिलक लगाती है। वह युवक कुछ देर बाद हंसने लगता है और हंसते हंसते रोने लगता है और फिर चुप हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। राजा के सैनिक उसे राक्षस की गुफा में ले जाते हैं। वह युवक गुफा में जाता है और राक्षस जैसे ही उसे खाने के लिए आता है तो युवक अपने साथ एक सैनिक को भी अंदर खींच लेता है और राक्षस सैनिक को उठाकर फेंक देता है और युवक की ओर बढ़ता है। युवक उस राक्षस को पत्थर मारता है और बेहोश हुए सैनिक का भाला उठाकर राक्षस को मार देता है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल राजा से पूछता है, राजन ये बता, राक्षस के पास आने से पहले वो लड़का रोया क्यों और फिर क्यों हंसा? राजा विक्रम बेताल को बताता है कि जिस राजा को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी वो अपने प्राण बचाने के लिए उसे राक्षस का भोजन बना रहा था। इस पर वो लड़का हंसने लगता है और जिस माँ बाप को उसका पालन पोषण करना चाहिए था वो उसे धन के लालच में राजा को सौंप देते हैं, तो ये बातें सोचकर वो फिर रोने लगा। बेताल राजा विक्रम का उत्तर सुनकर खुश हो जाता है और राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रशंसा करके वापस से उड़ जाता है और अपने पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए फिर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं नई कहानी में। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।